नमस्ते दोस्तों, सब बहुत सारे लोगों के ऐसी कमेंट्स है कि हम रिटर्न फाइल करने से पहले सैलरी स्टेटमेंट में से हमें पहले कैलकुलेशन पीएफ के किस तरीके से करने हैं, माने कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में कुछ अमाउंट जो है वो पीएफ में जाती है और कुछ अमाउंट जो है वो ईपीएस में जाती है और साथ साथ में एडमिन चार्जेस भी हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो ये सभी चीज़ें हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पीएफ के जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और पेमेंट करते हैं उसमें आसानी हो जाएगी। ऐसे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, बट ये वीडियो आप जरूर से देखिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है। अभी गवर्नमेंट रूल जो है वो स्ट्रिक्ट कर रही है और जो पेनल्टी है वो भी बढ़ा रही है पीएफ और ईएसआईसी में, तो ये वीडियो देख के आपका जो प्रोसेस है वो इजीली कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। तो दोस्तों, पीएफ, ईएसआईसी, टीडीएस या फिर पीटी का वर्किंग करने से पहले या फिर रिटर्न फाइल करने से पहले आपको आपका सैलरी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन करना है। तो देखिए यहाँ पे कि हम किस तरीके से हमारा सैलरी स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स के साथ साथ आपको उनका पीएफ, ईएसआईसी नंबर, उनका बैंक अकाउंट नंबर, वो सब जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी है। उनका डिपार्टमेंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके साथ साथ में उनका अटेंडेंस भी एक ही शीट में मेंटेन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा रिकॉर्ड के लिए। इसके बाद में यहाँ पे जो डेज है, टोटल वर्किंग डेज और वो सब लीव वगैरह, वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। और साथ साथ में उनका ग्रॉस सैलरी है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। और ग्रॉस सैलरी के अकॉर्डिंग उनका सैलरी का कैलकुलेशन कितना आएगा, जो नेट कैलकुलेशन, जो नेट ग्रॉस जिसको हम बोलते हैं, वो किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे इसके बाद में वो पीएफ, ईएसआईसी के पीटी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे यस नो का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। अगर आपको इस तरीके से मेंटेन करना है तो कर सकते हो, बट अगर आपके पास ये सब चीजें होगी तो आपके लिए इजी रहेगा। इसके बाद में कैलकुलेशन किस तरीके से पीएफ, ईएसआईसी के पीटी के कितने रहेंगे वो यहाँ पे, और इसके बाद में जो नेट सैलरी जिसको हम बोलते हैं, जितनी हमें पे करनी है एम्प्लॉय को, वो यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सैलरी स्टेटमेंट मेंटेन करना है। और अगर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आप वो भी दे सकते हो कि अगर डायरेक्टली आपको सैलरी स्टेटमेंट में से ही आपको सैलरी स्लिप देनी है आपको एम्प्लॉय को, तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे सैलरी समरी भी दे सकते हो आपके मैनेजर या फिर आपके कंपनी के ओनर को कि इतनी हमारी डिपार्टमेंट वाइज सैलरी है। तो इस तरीके से अगर आप मेंटेन करोगे तो आपके लिए ये इजी रहेगा। वैसे ये सैलरी स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम पीएफ के कैलकुलेशंस देखते हैं दोस्तों। सो पहली बात तो आपको वो ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा जो पीएफ के कैलकुलेशंस है वो अर्न बेसिक प्लस डीए पे ही करने हैं। इट मीन्स मान लो आपका जो बंदा है या फिर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई है जो 30 डेज में से 24 डेज प्रेजेंट है और आप 24 डेज का पेमेंट कर रहे हो, तो उनका जो अर्न बेसिक प्लस डीए रहेगा उसके ऊपर ही आपको पीएफ कैलकुलेट करना है। और सेकंड थिंग दोस्तों कि अगर मान लो आपका जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है उनका जो सैलरी है, मतलब कि बेसिक प्लस डीए 15,000 से ज्यादा हो रहा है, तो भी आपको 15,000 के ऊपर ही इंटू 12% करना है और कैलकुलेशन करना है। इट मीन्स अगर आप 15,000 इंटू 12% इज इक्वल टू 1800 रुपीज ही आप पीएफ कैलकुलेट कर सकते हो। इट मीन्स वो उनका पीएफ जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। एम्प्लॉयर चाहे तो वो कैलकुलेट ज्यादा कर सकते हैं, बट अभी हम गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे बेसिक ही लिया हुआ है, हम हमारे सैलरी स्टेटमेंट में डीए नहीं लेते हैं। बट अगर आपके सैलरी स्टेटमेंट में बेसिक प्लस डीए है तो आपको दोनों को कंसिडर करना है, प्लस करना है और इसके बाद में ही पीएफ कैलकुलेट करना है। तो अभी मान लो हमें वो अमाउंट निकालनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है कि यहाँ पे मान लो ये दिया पटेल जो है उनका सैलरी, इट मीन्स बेसिक जो है वो 20,000 है, बट अगर आप यहाँ पे करोगे कैलकुलेशन तो उनका 1800 ही आता है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है कि 15,000 के अकॉर्डिंग ही उनका जो पीएफ है वो कैलकुलेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक अमाउंट निकालनी है कि कितनी अमाउंट के ऊपर आपने पीएफ का कैलकुलेशन किया है, क्योंकि जब हम रिटर्न भरते हैं तो वो अमाउंट भी हमें मेंशन करनी पड़ती है। तो अभी हम देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मान लो 20,000 यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे 15,000 के अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो कैलकुलेशन किए है, तो ये बेसिक अमाउंट मुझे इस तरीके से निकालनी है। तो पहले हम करेंगे कि एक इंसर्ट करेंगे कॉलम और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है
कि बेसिक प्लस डीए जो है वो आपका अगर 15 या 15,000 से ज्यादा जा रहा है तो यहाँ पे 15,000 ही आना चाहिए, नहीं तो एट एक्चुअल जो भी अमाउंट है वो. सो यहाँ पे हम करेंगे इज इक्वल टू राउंड अप. इसके बाद में हम करेंगे ब्रैकेट इफ ब्रैकेट. यहाँ पे हम करेंगे कि BE4 जो है वो अगर ग्रेटर देन 15,000 से ज्यादा गया तो हमें यहाँ पे 15,000 चाहिए, अदरवाइज जो अमाउंट है वो हमें चाहिए. BE4 ब्रैकेट 0 करके राउंड अप कर. दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने कैलकुलेशन किए हैं, यहाँ पे देखोगे 20,000 है तो यहाँ पे 15,000 कंसिडर किया और 15,000 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे PF कैलकुलेट हुआ है. इट मीन्स 15,000 इंटू 12% इज इक्वल टू 1,800 होते हैं. और अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे 15,000 से अमाउंट कम है तो इसके ऊपर यहाँ पे PF कैलकुलेट हुआ है तो पहले हमें ये अमाउंट निकालनी है. तो इसका हम टोटल कर देते हैं दोस्तों, पहले का टोटल हुआ और इसके ऊपर ही हमने ये PF कैलकुलेट किए हैं. तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे इज इक्वल टू दिस अमाउंट इनटू 12%, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों आप अमाउंट देखोगे और यहाँ पे तो ये हमारी जो अमाउंट है वो मैच हो गई है. इस तरीके से ये अमाउंट पे हमने ये PF कैलकुलेट किया है. तो पहले आपको ये जो अमाउंट है वो निकालनी पड़ेगी. अगर मान लो आपका बेसिक प्लस DA है तो आपको दोनों को टोटल करना है और इसके बाद में ही आपको ये इस तरीके से फॉर्मूला लगा के ये अमाउंट निकालनी है. तो हमें ये अमाउंट मिल गई जिसके ऊपर हमने PF कैलकुलेट किया है. तो पहले हम लोग ये अमाउंट लेके हमारा जो वर्किंग है उसमें डालेंगे. हमने ये अमाउंट निकाली दोस्तों. मैं आपको वन बाय वन ये पूरा समझाती हूँ कि पहले ये किस तरीके से वर्क करेगा. सो यहाँ पे दोस्तों बेसिक प्लस DA जो हमने निकाल दिया सैलरी स्टेटमेंट से तो वो निकालना है. इसके बाद में जो PF के पोर्टल पे एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल 24% जाता है और 1% जो है वो जाता है एडमिन चार्जेस को. सो उसमें कैसे बाइफरकेशन किया है वो भी हम देखते हैं. तो एम्प्लॉय के PF कंट्रीब्यूशन 12% रहते हैं दोस्तों. जो सैलरी एम्प्लॉय की रहती है उसमें से हम PF कैलकुलेशन करते हैं एम्प्लॉयज का, तो वो 12% है और एम्प्लॉयर का भी शेयर 12% होता है. बट सभी अमाउंट PF में नहीं जाती है. जो PF कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है वो 3.67% जाता है और एम्प्लॉयर के ही कंट्रीब्यूशन में से पेंशन के अमाउंट में जाता है 8.33%. तो टोटल मिला के यहाँ पे 24% जाते हैं और इसके बाद में एम्प्लॉयर को ही 0.5% एडमिन चार्ज और EDLI 0.5% ऐसे करके 1% देना पड़ता है. तो टोटल मिला के जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 13% जाता है क्योंकि इसमें एडमिन चार्जेस भी आ जाता है और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में 12% जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो अमाउंट हमें मिल गई है दोस्तों इसके ऊपर हमें करना है इज इक्वल टू दिस अमाउंट इनटू 12%. तो यहाँ पे हम राउंड अप भी कर देंगे ताकि एग्जैक्ट अमाउंट हमें मिले. राउंड का हम लोग एक फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे कर देंगे 0 ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ पे हमारा ये अमाउंट आ गया. इसके बाद में सेम वे हम 3.67% के अकॉर्डिंग करेंगे. और ध्यान रखना है जो हमने ये बेसिक प्लस DA का अमाउंट अभी निकाला है सैलरी स्टेटमेंट में से उसके ऊपर ही सभी कैलकुलेशंस होते हैं. तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे हमारा फॉर्मूला राउंड वाला ब्रैकेट दिस अमाउंट इनटू 3.67% कॉमा 0 कर देंगे और एंटर करेंगे. इसके बाद में 833 का करेंगे तो इज इक्वल टू एट एक्चुअल जो अमाउंट है वो यहाँ पे हमें मिल जाए. तो यहाँ पे हम उसका टोटल भी कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है वो 44656 आ रहा है दोस्तों. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 44656 जो है वो एक्चुअल हमारा अमाउंट है जो हमें PF में भरना है. और इसके बाद में हमें यहाँ पे 0.5% जो एडमिन चार्जेस रहते हैं जो अकाउंट नंबर 2 एंड अकाउंट 21 में जाते हैं उसका भी कैलकुलेशन करना है. तो ये अमाउंट उसको भी हम राउंड करेंगे राउंड इट क्लोज. तो यहाँ पे 930 आ गया. सेम वे यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला लगाना है B18 यहाँ पे करेंगे 0 हम करेंगे एंटर और यहाँ पे भी है वो कर देंगे.
तो यहाँ पे हमने राउंड अप का भी फॉर्मूला लगाया है ताकि हमारा जो अमाउंट है वो हमें परफेक्ट मिले। तो दोस्तों यहाँ पे हमें हमारा जो पीएफ है उसमें डालना है 44,656 प्लस ये जो हमारा 1860 हुआ है वो। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू करेंगे दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, तो यहाँ पे हमें ये टोटल हमें पीएफ में भरना पड़ेगा और आपको आपके एम्प्लॉयर से इतना पैसा लेना पड़ेगा और आपको ये पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों इस तरीके से आपको पीएफ के कैलकुलेशन करने हैं, एम्प्लॉय के शेयर में से जो कंट्रीब्यूशन है वो और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से और ये जो एडमिन चार्जेस है वो आपको यहाँ पे करने हैं। गाइस बहुत सारे लोग जो है वो एडमिन चार्जेस कैलकुलेशन करने में गलती करते हैं। पहली बात तो एडमिन चार्जेस हमेशा एम्प्लॉयर पे करता है और वो भी दो तरीके से डिवाइड होता है, जैसे मैंने आपको बताया पीएफ और जो ईडीएलआई चार्जेस है वो 0.5 0.5। तो हमने ये कैलकुलेशन कर दिए है, बट मान लो यहाँ पे अमाउंट हमारी कम है, जैसे कि अगर हम लोग माने कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज है, तो अगर हम 1 लाख के अकॉर्डिंग हमारा जो कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख इंटू 0.5%, तो 500 आया। बट मान लो यहाँ पे हमारा जो ये अमाउंट है वो है 90,000, तो ये हमारा हुआ यहाँ पे 450, ओके। एंड दूसरा जो है वो भी यहाँ पे 0.5% है, तो यहाँ पे सेम अमाउंट हम लेंगे यहाँ पे 19,000 इंटू दिस अमाउंट इज इक्वल टू हमारा 450 हुआ। सो दोस्तों यहाँ पे जो पीएफ एडमिन चार्जेस है जो अकाउंट नंबर 2 में डालना है वो मिनिमम 500 रुपीज डालना है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। तो अगर 450 भी हुए हैं तो आपको यहाँ पे 500 ही डालना है। और जो यहाँ पे ईडीएलआई है 21 में वो आपको 450 करना है, तो ये दोनों को मिला के आपको करना है जो कैलकुलेशन वो 950 होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें मिनिमम आपको 500 रुपीज पे करने हैं। अगर आपका जो अमाउंट है वो इस तरीके से ज्यादा है तो 0.5 से कैलकुलेट कीजिए, बट मिनिमम आपको यहाँ पे 500 पे करने हैं। तो इस तरीके से आपको ये एडमिन चार्जेस का कैलकुलेशन करना है। और दूसरी बात, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर 21 है, वैसे आपके रिटर्न के टाइम पे 22 भी आएगा, तो आपको वहां पे कुछ भी करना नहीं है, 00 ही मेंशन करना है। ओनली आपको 02 अकाउंट नंबर 2 और 21 में ही ये अमाउंट डालनी है, बाकी जो कैलकुलेशन रहेंगे एडमिन चार्जेस के वो सब नील रहेंगे, इट मींस 0 रहेंगे। तो ये चीज आप जरूर से ध्यान रखिए। इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेशन करना है पीएफ और एडमिन चार्जेस का, और इसके बाद में आपको रिटर्न भरना है। तो रिटर्न किस तरीके से भरना है, एरियर किस तरीके से भरना है, पेमेंट्स कैसे करने हैं, सभी के वीडियोस हमने दोस्तों ऑलरेडी बनाए हुए हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप पूरा प्रोसेस चेक कर सकते हो, देख सकते हो और आप खुद ही पूरे रिटर्न वगैरह भर सकते हो। सेम वे जैसे पीएफ में होते हैं वैसे ही हमें ईएसआई से भरने पड़ते हैं और पीटी में भी भरने पड़ते हैं, और साथ साथ में हमें एमएलडब्ल्यूएफ में भी बहुत कुछ ये जो रिटर्न्स वगैरह की प्रोसेस है वो करनी पड़ती है। तो ये सभी के वीडियोस दोस्तों हमने बनाए हुए हैं, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी की रखी हुई है, आप जरूर से विजिट कीजिए। और ये सभी फाइलिंग का काम है वो आप खुद से ही कीजिए, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई कंसल्टेंट या सीए को देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरी प्रोसेस कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो।